तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टोरेज को खाली करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन की ना गैलरी को ओपन कर लेना है। गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है, जिससे फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। देखिए यहां पर मैं आपको समझाने के लिए ना एग्जांपल के लिए मैं फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, गैलरी में देखिए राइट साइड की टॉप पर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है छोटी सी, इसे टैप करना है, आपका एक पेज आएगा ये वाला। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहां पर पहले से बंद कर रखा है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहां पर चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। देखिए यहां पर मैं बैकअप सेटिंग को इसलिए बंद करवा रहा हूं क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग हमारी चालू रहती है तो इससे हमारे फोन का इंटरनल स्टोरेज जल्दी जल्दी फुल हो जाता है। तो इसलिए आपको इन बैकअप सेटिंग को ना बंद रखना है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज भी जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर आपको जो ना अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, इससे फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अगले पेज में आपको ये इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, तो आपका ये पेज आता है छोटा सा, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने फोन के डेटा का ना बैकअप ले लेना है अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है।